खबर है कथावाचक प्रदीप मिश्रा से जुड़ी। फिर विवादों में घिरे हैं कथावाचक प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा ने तुलसीदास को बताया गवार। राधा रानी विवाद के बाद अब नई मुसीबत में फंसे हैं सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा। बोले, मैं तुलसीदास की तरह बिल्कुल गवार हूं। प्रदीप मिश्रा का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। बयान पर संत समाज में नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। सुनिए जरा। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते हैं। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गवार, हमें कुछ नहीं आता, केवल शंकर का नाम ले लेते हैं और आपके सामने बैठ जाते। इससे पहले राधा रानी कंट्रोवर्सी पर प्रेमानंद महाराज और प्रदीप मिश्रा आमने सामने आ गए थे। सुनिए सर। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी? राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। कल हमको एक क्लिप दिखाई गई किसी भागवत प्रवक्ता की, वो लाडली जी के विषय में बोल रहा है कि राधा ऐसा राधा ऐसा। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना, हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है, किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। ऐसे भागवत प्रवक्ताओं से बिल्कुल कथा नहीं सुननी चाहिए, नरक की प्राप्ति होती है। केवल बोल दिया, ऐसी धूर्तता से शब्द निकले थे कि ऐसा लग रहा था कि नजदीक हो। तुमको बताऊं कि राधा क्या तत्व है? अभी तुम क्या समझते हो? भोली भाली किशोरी को ऐसा मत समझ लेना, उनके जन ऐसे हैं कि तुम्हारे सर्वनाश करने में बिल्कुल समर्थ है। एक संकल्प में न तो लोक लायक रह जाएगा न परलोक लायक रह जाएगा, पक्का। ये हम वृंदावन से गर्जना करें, महारानी जी के विषय में बोला तो ना लोक लायक, देख लेना, सभा में कह रहा हूं, देख लेना, ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा, और देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं, कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे, ये मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। हजारों लोग बैठ करके सुनते, कैसी बुद्धि मारी गई, इष्ट की अवहेलना सुन रहे हैं बैठकर, और ऐसों को भागवताचार्य बनाकर मंच पे बैठाल करके सुनने के लिए निमंत्रण दोगे ना कि पुरीखा तर जाएंगे तो पुरीखा नरक जाएंगे, ऐसों को बैठा लोगे तो। और ऐसी प्रार्थना है जनता से कि ऐसे भागवताचार्यों से कथा ना सुनो जिनको खुद कथा का ज्ञान नहीं, खुद तत्व का ज्ञान नहीं।